अंबुजी नवे आमचे दर्शन करा भगत नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूँ मैं। केम छो, कैसे हो आप सब लोग? जैसे कि आपने वीडियो के बिगिनिंग में देखा, हम मंदिर जा रहे हैं, तो आप सूर्यास्त भी, बहुत सुंदर सूर्यास्त भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ के ये कंट्री साइड रोड है जहाँ से हम पसार होके मंदिर तक हम जा रहे हैं। बालाजी मंदिर ऑफ शिकागो नाम है मंदिर का, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही आध्यात्मिक मंदिर है। तो हम पहुंच गए हैं, सारे ही मंदिर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती ही है और भारत के बाहर जो रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ये भावना को समझ सकते हैं। तो देखो, ये मंदिर बाहर से भी इतना सुंदर है, अंदर से भी उतना ही आध्यात्मिक है, दिव्य है, भव्य है। और ये रिनोवेट हुआ है, ये मंदिर तो कई सालों से है पर रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ सालों में ये जीर्णोद्धार हुआ है इसका। बाहर बच्चों के लिए पार्क है और सत्यनारायण की कथा का भी दर्शन हुआ। गर्भगृह और मंदिर के कुछ जो नियम होते हैं उसकी वजह से हम आपको भगवान की छवि का तो दर्शन नहीं करवा पाए। आप ऑनलाइन शिकागो बालाजी मंदिर सर्च करोगे तो भगवान का विग्रह का और गर्भगृह का भी आपको दर्शन हो पाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर के अंदर की ओर जा रहे हैं और ये मंदिर का परिसर है नीचे का। तो अमेरिका के भी अलग अलग शहरों में बहुत सारे नवरात्रि के आयोजन हो रहे हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध गायक कलाकार जैसे गीता रबारी जी हैं, किंजल दवे, सब लोग आ रहे हैं यूएसए में और बहुत सारे कार्यक्रम भी हो चुके हैं। तो मंदिर से हम एक जगह पे जाने वाले थे पर वो अभी 2 वीक के बाद जब पूर्णिमा होगी ना, पूनम की गरबा का वहाँ आयोजन हुआ है हाई स्कूल में, तो फिर हम घर आए और एक नवरात्रि भोजन में भी गए थे। वो भी आप आगे देखोगे मेरी एक फ्रेंड के वहाँ, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से आयोजन किया था। और इसी वीक के सेम लाइक हफ्ते में गई थी टारगेट स्टोर में और वहाँ से आके मैं आपको देखो, ये पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई है। अभी थोड़ा थोड़ा उघाड़ निकला तो मैंने सोचा आपके साथ में ये हरियाली शेयर करती हूँ। फिर धीरे धीरे ये सारे पत्ते जो आप अभी जो हरे भरे देख रहे हो ना, वो ऑरेंज, येल्लो, लाइक डार्क पिंक के होके फिर फॉल हो जाएंगे ऑटम में। और नव्या की स्कूल जब छूटती हैं तो यहाँ पे वो पार्क में थोड़ी देर खेलती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी क्लिप मैं आपके साथ उसी दिन की शेयर कर रही हूँ, दोपहर की 4 बजे की। तो अभी मैंने, अगर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखते हो तो उसमें मैंने आवाकाडो की फ़ोटो भी रखी थी। तो क्योंकि इंडिया में भी अब आवाकाडो मिलने लगे हैं पर हर एक कंट्री में उसकी प्राइस अलग अलग होती है। यूएसए में $6 के 6 आवाकाडो $4.5 के कोस्को होलसेल स्टोर में मिलते हैं और कभी कभी 0.75 सेंट के भी एक आवाकाडो होते हैं। तो मैं आवाकाडो की रोटी मोस्टली बनाती हूँ। जब मेरी डॉटर नव्या छोटी थी तब तो मैं वो आवाकाडो बनाना की स्मूदी और सब पीती थी। और अभी सबके घर में, लाइक घर में सबके लिए मैं कभी आवाकाडो की रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि 6 आवाकाडो हैं, धीरे धीरे पकने लगते हैं। तो आवाकाडो को आप मैश करके छुंदी ने उसमें ब्लैक पेपर, फिर सोल्ट, नमक डाल के उसका आटा बांध लीजिए। पानी आपको बहुत सावधानी से डालना है आवाकाडो की रोटी बनाने के टाइम पे, क्योंकि आवाकाडो खुद भी बहुत स्मूथ होता है। तो देखो, ये ऊपर से वो जो है ना उसका, वो अगर निकल जाए तो समझ लेना पक गए हैं आवाकाडो और एक सॉफ्ट भी हो जाते हैं। आप उसकी सरफेस को दबाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट लगेंगे, उसका मतलब कि वो एकदम अच्छे से राइप पक गए हैं। तो अभी ये पाव भाजी की सब्जी भी मैंने बना ली है, छाछ बना ली है, जो कि हर एक सौराष्ट्रियन काठियावाड़ी के घर पे छाछ होती ही है दोपहर के खाने में। तो अभी बस थाली परोस दूंगी और अभी नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी ये दाल की वड़ी, जैसे मोमोज और मुठिया के को हम कैसे स्टीम करते हैं बाफी आपड़े, उसी तरह से मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल को भिगो के दूसरे दिन उसकी उसमें अदरक और मिर्ची डाल के क्रश करके स्टीमर में बॉईल कर लिया था, स्टीम कर लिया था, नॉट बॉईल, स्टीम, वराड़ से बाफी लिया था। और फिर उसकी सब्जी बनाई ग्रेवी के साथ।
तो अगर आप चाहोगे तो डिटेल में भी रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर मैं दूसरे दिन गई थी टारगेट स्टोर में, तो यहाँ पे हेलोवीन का डेकोरेशन, नव्या को मैं स्कूल छोड़ के फिर टारगेट में गई थी क्योंकि फ्रेंड्स के वहाँ जाना है, तो बच्चों के लिए बर्थडे गिफ्ट्स भी लेनी होती है। कोई भी बर्थडे पार्टी में जाए तो हम खाली हाथ तो नहीं जाते, और नवरात्रि पूजन में भी जाना है तो वहाँ भी मुझे लेके जाना है कुछ मोमेंटम। तो ये कुछ आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ, और मैंने जो लिस्ट में था वो तो खरीद ही लिया है, पर ये यहाँ से ये हेलोवीन का आइटम मैंने, मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था क्योंकि हस्बैंड ने पहले से ही डेकोरेट कर दी है हमारे फ्रंट यार्ड में आगे की पोर्च। और पर मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कि हेलोवीन में किस तरह की यहाँ पे स्टोर्स में डेकोरेशन होता है, इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी नया और जानने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो फ्रेंड्स फैमिली में आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और अभी जो मैं बता रही थी फ्रेंड्स के वहाँ पूजन था नवरात्रि का, नवरात्रि का दूसरे दिन, दूसरे बीजा नोरते, और नव्या को भी मैंने रेडी कर दिया है और हमें बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए, नवरात्रि पूजन का हमें लाभ भी मिला, और नव्या को भी बहुत अच्छा लगता है ट्रेडिशनल ये पहनना और सारा उसको श्रृंगार करना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नव्या को इस तरह से तैयार करना चनिया चोली में। जब ये वीडियो अपलोड होगा, पब्लिक होगा, तब पांचवा दिन है जय स्कंद माता, और फिर हम इसी वीकेंड में ऊपरा ऊपर शुक्र शनि रवि तीनों दिन कुछ ना कुछ फंक्शन था। शनिवार को मेरी डॉटर की स्कूल के क्लासमेट का यहाँ पे एस्ट्रो फन वर्ल्ड करके इंडोर प्ले एरिया है जहाँ पे हम आए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो यहाँ पे इंडोर प्ले एरिया किस तरह का होता है यूएसए में वो भी मैं आपको समय समय पर शेयर करती रहती हूँ जब भी हम जाते हैं तो नई जगह पर। तो इस तरह से देखो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारा फन है, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और भी नई नई जानकारी जानने के लिए।
उसके दूसरे दिन एक और फ्रेंड्स के किड्स की बर्थडे सेलिब्रेशन थी, तो यहाँ पे मैजिशियन शो होने वाला है। जब हम छोटे थे तब जादूगर के शो में जाते थे, तो अच्छा लगता है फिर से ये सब मैजिक और मैजिशियन के शो देख के। हमारे चिल्ड्रन के थ्रू हम अपना चाइल्डहुड फिर से जी पाते हैं। तो इसी तरह से आप आज का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और नए नए वीडियो के लिए धरा यूएसए डायरी को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखना भी ना भूलें, उस पर भी मैं अपडेट्स शॉर्ट्स यूट्यूब के छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। That one's on there, and that one's on there. Watch as they melt apart, like rings of smoke. Pretty cool, huh? Salad, Drew, salad. I could reach right through the hole in the top ring, grab onto the bottom ring, and pull it right through. Hold on to the needle for me. I'm kidding. Wait, hold on to the one. Here we go. Right up close is a very sharp needle. Down here is the eye of the needle. That's what this friend goes through. We're going to take this needle, we're going to place it right through her head without popping it. Are you ready? Go ahead, the balloon. I was just kidding. Are you ready? All you have to do is hold still and I promise it won't pop. Are you ready? All right, everyone real quiet. All right, here we go. We're going to hold it right here. All right, ready? Everyone quiet. Hold still for me. Stay right there. Watch as the needle passes right through the hole. Hold on. Stay right there. Stay right there. Hold still. Let's give her a big hand of work. Woo!